हेलो मॉम्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉम्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? आई होप आप अच्छी होंगी। और मैं हमेशा आपके लिए यही प्रेयर करूँगी कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, खुश रहें और मस्त रहें। तो आज का मेरा नया टॉपिक है जिसमें कि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो कि ज़रूरी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जिसका नाम है कि वाटर बैग फट जाना। प्रेगनेंसी में आपने ये सुना होगा, बहुत सुना होगा कि उसका जो पानी की थैली फट गई। कॉमन वर्ड्स में हम यही बोलते हैं, उसकी पानी की थैली फट गई, वाटर बैग का फट जाना। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ हो गई है, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके साथ ऐसा ना हो, तो आपको प्लीज़ ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये इतना रिस्की माँ और बच्चे दोनों के लिए हो जाता है। तो इसके बारे में प्लीज़ आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो केस मैं आज डिस्कस कर रही हूँ वो मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, तो मैंने क्या ऐसे स्टेप लिए जिससे कि मेरे साथ ये केस हुआ, लेकिन मैंने इसको रिकवर कर लिया और मेरी जो डिलीवरी हुई थी नॉर्मल हो गई। लेकिन 90% केसेस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, इसके लिए सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। मैंने ऐसे क्या मिस्टेक कर दी थी जिससे जो मेरा टाइम था डिलीवरी का, उससे पहले ही मेरा वाटर बैग फट गया और एक बहुत रिस्क भरी सिचुएशन मेरे सामने आ गई, तो मैंने इसको कैसे ओवरकम किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कब होता है। ये तब होता है जब आपका 8th month कंप्लीट हो गया हो और 9th month स्टार्ट हो गया हो। कभी कभी ये 8th month में भी हो सकता है, जो कि बहुत रिस्की वाला दोनों के लिए हो जाता है, माँ और बच्चे के लिए। लेकिन अक्सर चांसेस तब बनते हैं जब आपका डिलीवरी होने वाली होती है और आप का मतलब जो टमी है फुल इतना निकल आया होता है। ठीक है, तो वाटर बैग में होता क्या है कि जो हमारा बच्चा है, जो हमारा बेबी है, जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूड, जिसमें हमारा बच्चा सेफ रहता है, वो बेहद ज़रूरी है। अगर किसी में पानी की कमी है या एमनियोटिक फ्लूड कम है, तो उस सिचुएशन में बच्चे को नॉर्मल करना मुश्किल हो जाता है, उसकी डिलीवरी करना मुश्किल हो जाता है, सिजेरियन होता है। तो तभी हमसे डॉक्टर कहते हैं कि जितना हो सकता है लिक्विड पिएं, जितना हो सकता है पानी पिएं, बच्चे में पानी की कमी ना होने दें, नहीं तो ये सूख जाता है, बच्चा सूख जाता है और ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाता। तो बात कर रहे थे हम वाटर बैग फटने की। तो जब हम बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है, तो कभी कभी हमारी मिस्टेक से, या हम ठीक से बैठ नहीं रहे हैं, या हमारा जो वजन है पूरा हमारे टमी पर, हमारे पेट पर आ गया है, या हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, या फिर चलते चलते झटका लग गया, या फिर हमारा पैर ऊपर नीचे आ गया, या हम कहीं स्लिप हो गए, तो ये केस 9th month में बहुत होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब जब हो जाती हैं, या हम ढंग से बैठ नहीं रहे, पूरा वजन हम अपने अपने पेट पर रख दिया, तो ऐसी कंडीशन में जो एमनियोटिक फ्लूड है वो थैली से फट कर बाहर आ जाता है, और जिसमें कि हमारा बच्चा सेफ रहता है, वो पानी सारा बाहर निकलने लगता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, इस तरीके से निकलता है कि ऐसा लगता है कि किसी ने बाल्टियाँ भरकर पानी उड़ेल दिया हो। तो ये सिचुएशन पर्सनली मेरे साथ हुई थी कि मैं बैठी हुई थी और मेरा जो वजन था मेरे पेट के ऊपर था, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, और मेरी जो वाटर बैग है वो फट गया और काफ़ी मात्रा में मेरी बॉडी से पानी निकलना स्टार्ट हो गया। तो ऐसा जब हुआ तो मैंने क्या स्टेप लिया, क्योंकि जिस जगह पर मैं रह रही हूँ वहाँ पर काफ़ी सारे हॉस्पिटल हैं और वहीं पर एक जो काफ़ी अच्छी एक्सपर्ट हैं, मेरा उन्हीं से ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं चेकअप वगैरह उन्हीं पर रूटीन चेकअप उन्हीं से कराती थी। तो मैंने इमीडिएटली जब मेरे साथ ये घटना हुई, तो मैंने फटाफट जो भी मैंने सामान ले सकती थी वो फटाफट बैग पैक किया जितना भी, क्योंकि मुझे अब पता था कि अब वो मेरा सिजेरियन होगा, क्योंकि इस कंडीशन में सिजेरियन ही होता है, क्योंकि जितना पानी मेरी बॉडी से निकल रहा था, मैं बहुत घबराई हुई थी और मैंने सुन भी रखा था कि ऐसी कंडीशन में सिजेरियन होता है, नॉर्मल नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे के शरीर को मूव करने के लिए पानी नहीं मिल पाता और वो सूखने लगता है। ठीक है,
तो फिर मैंने फटाफट सारी जो इसेंशियल चीज़ें थी वो मैंने एक कलेक्ट करी, मैंने अपने मदर इन लॉ को, हस्बैंड को बोला। और ये यू केस हुआ था मेरे साथ रात के 1:30 बजे हुआ था, रात के 1:30 बजे के समथिंग, ठीक है। तो उसमें कोई सुविधा भी नहीं थी, लेकिन मैं इतनी लकी लकी हूँ कि मेरे घर के पास ही हॉस्पिटल है। मैं इस ऐसी एरिया में रहती हूँ जहाँ पर काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। तो फिर फटाफट हम लोग रात में ही 2 बजे के आसपास सारी चीज़ें पैक कर कर फटाफट मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ होती है तो आपको फटाफट से सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है, अपना जो मेडिकल जो बैग है वो तैयार करके ऑलरेडी रखना है, जैसे ही आपका 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात है। तो फिर आप फटाफट क्या करेंगे कि जो भी आपका नज़दीकी हॉस्पिटल है, पास का जो हॉस्पिटल है, वहाँ जल्दी से आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाइए, जैसे कि मैंने किया था। मैंने जितना जल्दी हो सकता था मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। फिर वहाँ पर मुझे लगातार बोटल्स चढ़ती रही, मेरा पूरा चेकअप हुआ, पूरा मेरा देखा गया कि कितना पानी निकल गया कितना नहीं, और मुझे बोटल्स लगाई गई जिससे कि बच्चे को पानी की कमी ना हो। और फिर मुझे लिवर पेन स्टार्ट की गई इंजेक्शन के द्वारा। तो ऐसा ही होता है जब वाटर बैग फट जाता है तो आप क्या करेंगी कि आप घबराएं नहीं, अपने आप को काम डाउन रखें और नज़दीकी हॉस्पिटल में अपने आप को हॉस्पिटलाइज्ड करा लें। आप ये ना सोचें कि मेरा जो ट्रीटमेंट वहाँ से चल रहा है वहीं मैं जाके अपना ट्रीटमेंट कराऊं। ऐसी सिचुएशन में आपके शरीर से और पानी निकल जाएगा और ये आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, ठीक है। फिर इस कंडीशन में लिवर पेन नहीं होती कि जैसे जो नेचुरल पेन हमें स्टार्ट होते हैं फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं, ऐसे पेन नहीं होते हैं। आपकी बॉडी में आपको बॉटल चढ़ाई जाती है, फिर धीरे धीरे इंजेक्शन दिए जाते हैं, फिर इंजेक्शन बढ़ाए जाते हैं ताकि आपको पेन हो सके, बॉटल बराबर चढ़ती रहेंगी, फिर धीरे धीरे लेबर पेन स्टार्ट किए जाते हैं। फिर आपका अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में पानी निकल गया है तो फिर उस कंडीशन में आपका सिजेरियन ही होगा। अगर ऐसी सिचुएशन है कि पानी है और थोड़ा सा बोतल बोतल चढ़ाकर आपको उस कंडीशन में लाया जा सकता है तब ये नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अधिकतर कंडीशन में सिजेरियन ही कर दिया जाता है ऐसी कंडीशन में। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि जिस जगह मैं रह रही हूँ वहीं पर मैंने पूरा ट्रीटमेंट कराया और वहीं पर मैं हॉस्पिटलाइज हुई और मेरा डिलीवरी हो गई। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि तुरंत डिलीवरी नहीं होती, एक दिन लग सकता है पूरा, 1 से 1.5 दिन भी लग सकता है, क्योंकि धीरे धीरे पेन बढ़ाई जाती है, धीरे धीरे बॉडी में पानी को बढ़ाया जाता है, क्योंकि जो पानी निकल जाता है उसको उसकी जो कमी है उसको फुलफिल किया जाता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो जाती है, तो बस आप घबराएं नहीं, नज़दीकी हॉस्पिटल में आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं और सारी चीज़ें बताएं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें, ठीक है, सब चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं। तो ये होता है वाटर बैग का फटना। तो आपको ध्यान रखना है जब आपका 9th मंथ या 8th मंथ चल रहा हो तो आप अपने पेट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें, ठीक है। पेट पर तो आपको प्रेशर डालना ही नहीं है, बहुत धीरे धीरे चलना है, सीढ़ियों पर नहीं चढ़ना उस टाइम में, ठीक। और ध्यान रखें कि बहुत तेज़ वॉक नहीं करना, बहुत तेज़ी से नहीं चलना, जितना हो सकता पानी पीते रहें, लिक्विड पीते रहें, ताकि आपका जो बेबी है उसका मोमेंट अच्छे से बना रहे, ठीक। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें। और भी इस टॉपिक से संबंधित मैं और चीज़ें लेकर आऊँगी, ताकि अभी इस चीज़ को मैं यहीं फिनिश करना चाहूँगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आप भी कहेंगी कि मैम आपने वीडियो काफ़ी लेंदी कर दी। तो इस तरीके से आप इन बातों को ध्यान रखें तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं कि लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले ही डिलीवरी हो जाना, लेकिन ये दूसरी तरीके से कराई जाती है क्योंकि फिर कोई हमारे पास चांस बचता नहीं है, डेट से ही पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, जो मेरे साथ हुआ। मेरी बेबी 12 जनवरी को हुई थी जबकि डेट मुझे दी गई थी 23-24 जनवरी की, लेकिन 8-10 दिन पहले ही मेरे साथ ये केस हो गया। फिर उन्होंने इंजेक्शन देकर मुझे लेबर पेन स्टार्ट किए, तब जाके मेरे कम से कम मुझे पूरा एक दिन लग गया, एक दिन में बहुत परेशान होती रही, तब जाके मेरी बेबी हुई, ठीक है। लेकिन सब कुछ अच्छा हो गया, आप ये गलती ना करें, इसीलिए ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी। तो आई होप मैं इस चीज़ को आपको समझा पाई हूँ। तो प्लीज़ बहुत ध्यान रखें, 8वें 9वें महीने में आपको बहुत केयरफुली रहना है, जितना हो सकता है घर पर रहें, घर पर एक्टिव रहें, बहुत तेज़ ना चलें, ठीक है, ऊपर नीचे ना जाएँ, अप एंड डाउन का ध्यान रखें। इन सब चीज़ों को ध्यान रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है। तो आई होप मैं अपनी वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर कर पाई हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ आप इसको शेयर भी करें। अगर चैनल पर पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।